हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खांडवी की रेसिपी लाई हूँ। खांडवी गुजरात की ट्रेडिशनल डिश है। खांडवी दिखने में जितनी सुंदर है, टेम्पटिंग है, बनाने में उतनी ही आसान और इंटरेस्टिंग भी है। परफेक्ट खांडवी बनाने के लिए हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें मेन है इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर मेजरमेंट। खांडवी बनाने के लिए हमें मेनली दो इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, वो है बेसन और दही। अगर हम एक कटोरा बेसन लेते हैं तो हमें उसके लिए दही भी एक कटोरा ही लेना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें डालेंगे बेसन। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले लें। मैंने एक कटोरा बेसन लिया है, तो सेम कटोरे से एक कटोरा दही लेना है। और जितना हमने दही लिया है ना, हमें उसका डबल वाटर लेना है। यानी एक कटोरी दही लिया है तो सेम कटोरे से दो कटोरा वाटर। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और एज पर टेस्ट सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए विस्क की हेल्प ले लें। विस्क से बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्ब्स ना रहें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमारा खांडवी का बैटर रेडी है। अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमें खांडवी के इस बैटर को छानना है, तो हम इसे डायरेक्ट कढ़ाई के ऊपर ही छान लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और बैटर को इस पर डाल देंगे। इसमें जो अदरक और हरी मिर्च के पीस थे या फिर और भी कुछ हार्ड सब्सटेंस हैं, तो वो छन जाएंगे। अब हमें इसे बराबर हिलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे बराबर चलाते रहना है। बहुत जल्दी ये गाढ़ा होने लग जाता है। अगर हम इसे थोड़ा भी चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्ब्स आ जाते हैं, इसलिए इसे बराबर चलाते रहना है। और अच्छे से मिक्स करने के लिए हम विस्क यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे विस्क यूज किया है। अभी गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसको बराबर हिलाते हुए पकाएंगे, तो इस तरह से ये और थिक होता जाता है और साथ में ही इसका कलर भी और ज़्यादा शाइनी और ब्राइट होता जाता है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट येलो कलर आया है। अब इस स्पैचुला से इसे कॉर्नर से हटाते हुए और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसी तरह से पकाते रहेंगे। अभी ये काफ़ी थिक हो चुका है, बस अब हमें थोड़ा सा और पकाना है इसे। परफेक्ट खांडवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसे बराबर इस तरह से हिलाकर पकाते रहेंगे तो हमारी परफेक्ट खांडवी बनके रेडी होगी। इस स्टेज में हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। इसे कॉर्नर से हटाते हुए और अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे। जब हम इसे कॉर्नर से हटाते हैं, इस तरह से ये कढ़ाई को छोड़ देता है, तो ये इसकी परफेक्ट स्टेज है। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और फटाफट से नेक्स्ट स्टेप करना है। एक थाली या प्लेट के उल्टे साइड में अराउंड 2 बड़े चम्मच मिक्सचर लेंगे और बाकी के मिक्सचर को कढ़ाई में ढक के रख देंगे, नहीं तो ये जम जाता है। अभी थाली में हमने जो मिक्सचर लिया है, इसे अच्छे से फैला देंगे। हमें इस मिक्सचर को बराबर समान मात्रा में फैलाना है, कहीं पे कम ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखना है और बराबर इसे फैला लेंगे। यह स्टेप भी हमें फटाफट करना है, क्योंकि जैसे ही हम बैटर को प्लेट में लेते हैं, ये जमना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर प्लेट पे ले लेंगे और कढ़ाई को ढक के रख देंगे। बैटर को प्लेट में स्प्रेड करने के लिए हम स्पैचुला या फिर नाइफ का बैक साइड भी यूज कर सकते हैं। बैटर की लेयर बहुत पतली रहनी चाहिए और इसे बराबर मात्रा में इस तरह से स्प्रेड करेंगे। और इसी तरह से सारी प्लेटें रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 प्लेटें रेडी की हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में बैटर प्लेट में अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से कॉर्नर हटाते हुए चेक कर लेंगे, और जब बैटर सेट होके प्लेट से आसानी से छूटने लगता है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक नाइफ से लगभग 1.5 से 2 इंच का गैप देते हुए लंबे स्ट्रिप में कट लगा लेंगे। मैंने बड़ी साइज की प्लेट ली थी, तो मेरी 4 स्ट्रिप रेडी हुई हैं। अब एक कॉर्नर से बहुत केयरफुली हम इसे रोल करते हुए इस तरह से प्लेट से हटाएंगे और आगे की तरह रोल करते जाएंगे। एक बार ये रोल होना स्टार्ट होता है तो बहुत इजीली इस तरह से रोल होता जाता है। हम इसे रोल करते हुए लास्ट कॉर्नर तक लेके जाएंगे और ये हमारी पहली खांडवी रेडी है। अभी खांडवी को प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी की खांडवी को रेडी करेंगे। अभी सेकंड स्ट्रिप को मैं अपोजिट साइड से रोल करना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें बहुत केयरफुली करना होता है। एक बार ये रोल होना स्टार्ट होता है तो बहुत आसानी से प्लेट को छोड़ते हुए रोल हो जाता है। तो इस तरह से हम सारी खांडवी को रेडी कर लेंगे। बहुत आसानी से ये प्लेट से बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है और प्लेट एकदम क्लीन हो जाती है। हमारी खांडवी का पहला स्लॉट सक्सेसफुली रेडी है। देखिए कितनी ब्राइट येलो है, बहुत टेम्पटिंग है। इसी तरह से हम बाकी खांडवी को भी प्लेट से निकाल लेंगे। बस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार ये रोल होना स्टार्ट होता है तो बहुत ईजिली रोल हो जाता है।
यहाँ पे थोड़ा पेशेंस भी जरूरी है। खांड भी बनाना इंटरेस्टिंग तो है ही, बट खांड भी बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस भी लगता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हमें डिफ़िकल्टी होती है, इसे प्लेट से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम नाइफ़ की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से इसे नाइफ से हल्का सा रिमूव करके रोल करते हुए इसे आगे बढ़ा लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर कोकोनट की स्टफिंग भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सारी खांड भी बना के रेडी कर लेंगे। एक कटोरा बेसन से आप देख सकते हैं कि हमारी इतनी सारी खांड भी बन के रेडी हो गई है। इसका कलर एकदम ब्राइट येलो बहुत टेम्पटिंग है और रियली खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। एक तड़का पैन में एक बड़ा चम्मच तेल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सरसों डालेंगे और आप इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और अब इसमें डालेंगे तिल और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमारा तड़का रेडी हुआ है हम इसे खांडवे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे खांडवे के ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि सारी खांडवे में अच्छे से तड़का पहुंच जाए। तड़का डालने से खांडवे का टेस्ट एकदम डबल हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। खांडवी बनाने में बेसिकली बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं होता है, बस तड़का में थोड़ा सा ऑयल का यूज होता है। ये एक ऑयल फ्री स्नैक्स है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया स्प्रेड करेंगे। हमारी खांडवी की प्लेट रेडी है। कितनी आसानी से बहुत कम समय में और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से हमने इतनी सारी खांडवी बना के रेडी की है। इन्हें बनाना बहुत आसान है। आप भी खांडवी जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी। आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये खांडवी दिखने में जितनी टेम्पटिंग है खाने में उतनी ही यम्मी भी है। तो चलिए आप भी खांडवी बनाना स्टार्ट करिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।